आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक आपका ओल्ड एनसीईआरटी और एक आपका तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री। आप इनमें से दोनों को किसको चूज करें, तो इस वीडियो में आपको मैं 5 फैक्टर बताऊंगा जिससे आप इसको डिसाइड कर पाएंगे किसको आप चूज करें। तो चैनल पहली बार जिनको सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं फैक्टर को। तो एक तरफ रखते हैं आप ओल्ड एनसीईआरटी को, एक तरफ रखते हैं आप तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री को। तो देखिए हिस्ट्री के भी 5 पार्ट होते हैं। पहला आपका एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मेडाइवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, चौथा पोस्ट इंडिपेंडेंस और पांचवा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो दो के लिए कन्फ्यूजन होता है एंशियंट और मेडाइवल के लिए, एंशियंट और मेडाइवल के लिए आपके तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक होती है काफ़ी बेहतर होती है। उसके पीछे का रीजन पहला वो होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज आपके तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की जो लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टेबल है, काफ़ी मतलब सरल तरीके से दे रखा है जिससे आप काफ़ी आराम से बड़े प्यार से उसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं आपको एनसीईआरटी जो बुक है उनको समझने में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी को भी आप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन करें तो आप तमिलनाडु बोर्ड को हिस्ट्री को आराम से और ज़्यादा आराम से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है वो आती है आपका सिक्वेंस। सिक्वेंस यानी एक क्रम, ऑर्डर यानी काउंटिंग के हिसाब से कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये घटना। तो एनसीईआरटी में इस चीज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री है उनमें बड़े ही प्यार से सीक्वेंस के साथ में अच्छे से दे रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके फायदे की आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए अगर आपको यूपीएससी में पॉलिटी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रेप लैडर। यहाँ से आप पॉलिटी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। हालांकि है तो ये ऑनलाइन कोचिंग, लेकिन वैसे सारी क्लासेस आपके फ्री हैं 15 जनवरी तक। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी जो तमिलनाडु बोर्ड की है उसके बारे में बताया, ठीक है। आपको उनकी समरी वगैरह देखनी है तो बहुत सारी की सारी समरी चाहे एनसीईआरटी हो तो टीचर्स को द्वारा आप देख सकते हैं। फैकल्टीज हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब की सारी क्लासेस एक प्रॉपर मैनर में प्रॉपर टीचर ने, जो फैकल्टी आपकी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, उन सब ने ले रखी है। अगर आप इनका पेड कोर्स परचेस करते हो 6 महीने का आपका 14,000 का है, 3 महीने एक्स्ट्रा हो रहा है भी लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप इसका 1 साल वाला प्लान लेते हो तो वो करीब 18,000 का है। आप हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर हो तो आप सबके लिए एक कूपन कोड है, ठीक है, तो जिसका नाम है KGM। तो जैसे ही आप हमारे चैनल के KGM कोड को अप्लाई करोगे तो आपके 500 रुपये ऑफ हो जाएंगे। इसको ऑनलाइन कोचिंग के बेनिफिट क्या है, पहला तो ये कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज को द्वारा ये ली जा रही है। आप देख सकते हैं हेमंत यासर हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे हैं, एम पुरी सर पॉलिटी के लिए, हिमांशु सर हैं और ये आपके विवेक सर हैं, और ये सारे के सारे टीचर हैं जो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से रन करा रहे हैं। उसका डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो थर्ड रीजन होता है वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और आप तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है तमिलनाडु बोर्ड की। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, पहला रीजन आपको बताया था लैंग्वेज सिंपल है, दूसरा रीजन बताया था आपको सीक्वेंस है। तो जब लैंग्वेज सिंपल है, सीक्वेंस है, तो आपका आप खुद समझ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग किस में ज़्यादा बेटर होगी। चौथा और सबसे सॉलिड रीजन तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री का वो ये है कि आपके जो एनसीईआरटी बुक होती है उससे जो एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका काउंटिंग, उनका नंबर तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है उनसे थोड़ा कम है। यानी कह सकते हो तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछने का मतलब क्या होता है, देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो साउथ इंडिया है, ठीक है, साउथ इंडिया से ही आपके मेडाइवल जो मेडाइवल हिस्ट्री होती है काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। आप जानते हैं तमिलनाडु भी साउथ में है, ठीक है, तो जब साउथ में आपका तमिलनाडु है वहाँ की बुक प्रिंट हो रही हैं तो वो अपनी हिस्ट्री को बनाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगी। ये जो एनसीईआरटी है जो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से बनाई गई है वो ज़्यादा बेहतर होगी। कह सकते हो आप स्टेट के हिसाब से अगर कोई बुक मतलब पब्लिश की जा रही है, कोई बुक बनाई जा रही है, तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग में काफ़ी सही तरीके से बता रखी होगी, इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री में साउथ से ज़्यादा रिलेटिंग होती है, इसीलिए वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपकी एनसीईआरटी जो होती हैं इनमें थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो ये 4 रीजन्स तो आपके एक तरफ, और एक तरफ आता आपका टाइम। यानी अगर आपके पास 1 साल या 1 साल से कम है तो आप एनसीईआरटी बुक और तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है दोनों पढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास 1 साल से कम है तो आप तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक को पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आपका 80-20 प्रिंसिपल रूल काम करेगा कि आप थोड़ा कम कंटेंट पढ़ के और अच्छे से आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप दोनों चीज़ को पढ़िए और अच्छे से आपका निकल के आएगा। अब बात आती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स किस चीज़ को पढ़ें। हिंदी मीडियम के लिए तो है नहीं तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक, उसका काफ़ी अच्छा मटेरियल आता है। एंशियंट यानी प्राचीन इतिहास, और मेडाइवल यानी मध्यकालीन का इतिहास है, उसकी काफ़ी अच्छी बुक आती है, तो आ सकते हैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप आराम से उसको परचेस कर सकते हैं। तो तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक हैं उनका हमने अपने चैनल पर रिव्यू कर रखा है, उसमें आपके 2 बुक लेट हैं,
एक 11th क्लास के, एक 12th क्लास के। 11th क्लास वाले ने आपके एंशेंट हिस्ट्री को कवर किया है और 12th क्लास वाले ने आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। कुल मिला के जो तीन बुक जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, दो दो आपके क्लास 11th की होती है, दो बुक आपके क्लास 11th की होती है जिसमें से आपके एक एंशेंट हिस्ट्री की होती है, एक मेडिवल के लिए, और जो क्लास 12th की होती है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। क्लियर? रिव्यू हमने अपने चैनल पर कर रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, और परचेस करने का लिंक वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर उसको परचेस भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन, उनका डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। इसके साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे चैनल के और रिव्यूज को देख सकते हैं, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके जितने भी प्लेलिस्ट है, जितने भी स्टडी वाली वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।